कोरोना काल में शारदीय दुर्गोत्सव को लेकर तैयारियां तो जारी है, पर इस बार वो उत्साह और उमंग नहीं दिख रहा। ऊपर से सरकार ने पूजा के आयोजन को लेकर विशेष दिशा निर्देश जारी कर सख्ती दिखाई है। गुवाहाटी शहर में पूजा समितियों की तैयारियों का जायजा लेते हैं इस रिपोर्ट में। शारदीय दुर्गोत्सव, इस बार ऐसा नजारा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। कोरोना ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। असम में दुर्गा पूजा की तैयारियां चल रही है। सरकारी दिशा निर्देश के तहत पूजा समितियां आयोजन में जुट चुकी है। गुवाहाटी की सभी बड़ी बजट वाली पूजा समितियों ने एसओपी का पालन करते हुए पूजा आयोजित करने की बात पर सहमति जताई है। हर साल अपने भव्य आयोजन से लाखों दर्शनार्थियों को आकर्षित करने वाली मालीगांव रेस्ट कैंप पूजा समिति ने आयोजन को लेकर नॉर्थ ईस्ट लाइव से जानकारियां साझा की। हम लोग को जो गवर्नमेंट का सर्कुलर निकालने से पहले हम लोग डिसीजन ले लिया था, जो हम लोग को कोई हम लोग के यहाँ में कल्चरल प्रोग्राम होता था वो बंद कर दिया, मेला होता था वो बंद कर दिया, पेंडल होता था वो भी बंद कर दिया, इलेक्ट्रिक का काम होता था वो भी बंद कर दिया गया, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होता था वो भी बंद कर दिया, भोग प्रसाद वितरण होता था डिवोटीज का अंदर वो भी बंद कर दिया। सिंपली एक 5 फुट हाइट का छोटा मूर्ति होगा और पूजा होगा, जो फॉर्मेलिटी है जो नियम है पूजा का वही होगा। और हम लोग माँ को जो भोग देंगे तो भोग तो देना ही पड़ेगा, तो भोग देने के बाद जो प्रसादी रहेगा पेंडल में जितना डिवोटीज रहेगा उन लोग को उधर में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एक्स्ट्रा करके हम लोग कोई प्रसाद वितरण नहीं होगा। वहीं बिष्णुपुर सार्वजनिक पूजा समिति ने सरकारी दिशा निर्देश के साथ पूजा आयोजन करने की बात कही है। में जो गवर्नमेंट का जो तरफ से जो प्रोटोकॉल दिया है, गाइडलाइन दिया हुआ है, उस गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग कर रहा है। जैसे कि आपका कैंपस के अंदर घुसने के पहले उसको स्कैनिंग करने के लिए वो सब रखा हुआ है, हैंड सैनिटाइजर या हैंड वॉशिंग, पूरा ग्राउंड सैनिटाइजर, और कोई भी अंदर अगर विदाउट मास्क जाए तो हम लोग उसको मास्क दे के उसको घुसाएंगे। और मूर्ति का जो हाइट होगा, हम लोग का 5 फुट का मूर्ति होगा, एक छोटा सा मूर्ति, और हम लोग का जो नियम विधि नियम जो है वो नियम अनुसार का पूजा होगा, और गवर्नमेंट का जितना प्रोटोकॉल है सब हम लोग फॉलो अप करके पूजा तो करेंगे। रिहाबारी पूजा समिति हर साल प्रभावी थीम के आधार पर दुर्गा पूजा का पंडाल सजाती रही है, लेकिन इस बार यहां सन्नाटा ही दिख रहा है। कुल मिलाकर पूजा सादगी से मनेगी। खास तैयारी तो नहीं है, मेनली कोविड प्रोटोकॉल जो है सरकार की तरफ से प्रोटोकॉल जो दिया गया उसको हम लोग मेंटेन करके पूजा करेंगे। खास कुछ ऐसा हम लोग प्रबंध नहीं किया है, लाइट का भी बोलिए पंडाल का भी बोलिए, क्योंकि पंडाल का जो प्रोटोकॉल दिया है कि खुला रहना होगा चारों तरफ से, बीच में से कोई बंद नहीं होना चाहिए। सैनिटाइजेशन करेंगे, व्यवस्था रखेंगे सैनिटाइज के लिए, बाकी मार्क्स तो विदाउट मार्क्स नो एंट्री, हम लोग का बैनर वगैरह सारा लिखा रहेगा कमेटी का तरफ से अलग से, सारा जितना भी गाइडलाइन है वो लिखा रहेगा सारा, तो उसी के हिसाब से हम लोग एंट्री करने देंगे, विदाउट मार्क्स नो एंट्री। वहीं सरकार द्वारा पुजारियों के स्वाब टेस्टिंग के निर्देश को सभी समितियों ने नकार दिया है। टेस्ट जरिए उसको पूजा का 15 रोज पहले बा 20 रोज पहले टेस्ट होता तो अच्छा होता, लेकिन आगे हम लोग सुन रहा है पंचमी का दिन करेगा, अगर पंचमी का दिन पुरोहित को टेस्ट पॉजिटिव निकल गया तो उनको तो 14 दिन के लिए अंदर घुसा दिया, तो पूजा कौन करेगा, तो पूजा तो बंद करने पड़ेगा। तो इसके लिए सब पेंडल मिल के एक बातचीत कर रहा है, अभी देखता है क्या होता है। पुरोहित जो पूजा जो करेंगे इसके लिए थोड़ा मतलब प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि एज यूजल कमेटी का जितना आदमी है वो कर लेगा, कोई कमेटी का कोई आदमी कोविड हो के भी रिटर्न भी आ गया उसमें कोई कंप्लेन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पुरोहित अगर करेगा इनकेस पॉजिटिव निकले तो पूजा कौन करेगा। तो इसके लिए हम लोग सोच रहे क्या करें क्या ना है, इसके लिए हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करेंगे जी ये सिचुएशन के लिए हम लोग क्या करें, और इनकेस अगर पॉजिटिव पुरोहित को निकलेगा स्पेयर पुरोहित कहाँ मिलेगा, दुर्गा पूजा का टाइम तो स्पेयर पुरोहित नहीं मिलेगा ना, तो इसके लिए हम लोग सोच रहे हैं क्या करना है, वो पूरे एडमिशन से बात करेंगे हम लोग। तो वहीं ऑल असम देवालय संघ के प्रेसिडेंट ने भी राज्य सरकार से पुजारी का स्वाब टेस्ट न कराने की अपील की है। अभी
हम लोग ये भी सोच रहा जो हम लोग का अभी ये भी एक तो प्रॉब्लम है, अभी जो पुजारी लोग जो दुर्गा पूजा लक्ष्मी पूजा विश्वकर्मा पूजा के साथ उन्हें मिलता नहीं है, लेकिन माँ दुर्गा माँ काली का जो पूजा होता है ये दीक्षांत तो कंप्लीट करने के बाद एक पुजारी ने आपको अपने को प्रिपेयर करता है ये पूजा करने के लिए। अभी ये जो गवर्नमेंट प्रोटोकॉल आया इसमें एक डायरेक्टिव भी आया जब जो पुजारी लोग को स्वेब टेस्ट करेगा हम लोग वेलकम करता हूँ, लेकिन साथ में एक बात होता है दीक्षांत तो पुजारी असम में बहुत कमती है अभी, और इसलिए एक पुजारी का पॉजिटिव होने से एक पूजा कम्प्लीट बंद हो जाएगा। इसलिए सरकार को हम अपील किया माननीय स्वास्थ्य मंत्री जो डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा जी को खुद भी पूजा के लिए बहुत ये है वो भी आध्यात्मिक आदमी है, तो हम हमारा तरफ से उसको अपील करता हूँ कम से कम गवर्नमेंट के तरफ से अभी कोई पुजारी को पॉजिटिव निकालने से उसको स्टैंड बाय देने के लिए गवर्नमेंट के तरफ से कोई दीक्षांत तो पुजारी को पूजा कमेटी के साथ जुड़ा कर देने से थोड़ा क्या होगा पूजा भी हो लगेगा, नहीं तो माँ दुर्गा का जो पूजा होगी वो एक बार बंद हो जाने से सारा देश के लिए अमंगल होता है। दूसरी तरफ कई समितियों ने असिस्टेंट पुजारी के साथ पूजा कर सरकार का प्रोटोकॉल मानने की बात कही है। जी ऐसा है कि पंचमी तक सबका ही ओनली पुजारी नहीं है, जो छोटा मोटा हम लोग का भगवान की भूख चराए जाएंगे ये माता के लिए जो भोग बनेंगे उसके लिए जो कुक होते हैं उनका भी टेस्ट कराना पड़ेगा हम लोग को, तो बाकायदा उनको पुरोहित ऑफिशियल जितना भी हम लोग यहाँ अंदर रहेंगे सेक्रेटरी प्रेसिडेंट चेयरमैन सबको कोविड टेस्ट करके हम लोग सब कुछ करके उसका बाद ही हम लोग तैयारी में लगेंगे। पूजा कर रहे वही बहुत है, जो नियम अनुसार पूजा करना चाहिए उसको ही हम लोग मेंटेन करेंगे। सुष्मिता दत्त की रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट लाइव।